बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम अख्तर राजा चैनल की तरफ से खुशामदेद। सबसे पहले नबी पाक और उनकी आल पर दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आज हम आपको मलाई बोटी बनाकर बता रहे हैं और ये बारबेक्यू में बहुत ही ज़बरदस्त और बादशाही खाना है। आप इसे घर पर बनाएं और अपने बच्चों को साफ़ सुथरा और हेल्दी खाना बनाएं। आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट की है जो आपसे शेयर करेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर पर बनाएंगे। आइए चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करनी है आपने। ये 2 चम्मच आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट और 8 से 10 हरी मिर्च और 2 नींबू का रस इसमें डाल के इसकी पेस्ट आपने तैयार कर ली है ग्राइंडर में। ये चिकन आपने ले लेना है, ब्रेस्ट पीसीज हैं और इसको ऐसे चंक्स में काट लेना। ये ऐसे हो चिकन, इसको साफ सुथरा करके एक प्रॉप में डाल दें या किसी खुले बर्तन में डाल दें। और साथ ही 150 ग्राम आपने दही डाल देना है इसके अंदर। 150 ग्राम आपने ये फ्रेश क्रीम इसमें डाल देनी है और साथ ही ये 2 टेबलस्पून मेयोनीज इसके अंदर डाल देना आपने। और जो पेस्ट तैयार की थी लहसुन और अदरक की और लेमन और मिर्च की, वो इसके इसमें डाल देनी है और 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है इसके अंदर। और इसमें जो मसाले डालते हैं ये 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून आपने ये वाइट मिर्च पाउडर इसमें डाल देना है। और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये नाज़रीन 1.5 किलो चिकन था और इसकी मैरिनेशन हमने कर दी है। ये सारा उस हिसाब से हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर। अब इसको ओवरनाइट रख दें फ्रिज में और सुबह तक बिल्कुल ये नरम हो चुका होगा। ये नाज़रीन सारी रात हमने इसको फ्रिज में रखा है और ये बिल्कुल नरम हो गया। अब सीखों पर चढ़ाना है ये सारा चिकन। ये सीख ले लेनी है, इनको साफ करके ऐसे आपने 4-4 बोटियां इसके ऊपर चढ़ाते जाना है। बहुत आराम से हो जाएंगी, बिल्कुल नरम हो चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह। ये देखें ऐसे 4-4 बोटियां आपने इसके ऊपर चढ़ा लेनी है सीख पे। ये ऐसे चढ़ा के और ऐसे रखते जाना है आपने। नाज़रीन, ये मलाई बोटी हमने सारी सीखों पर चढ़ा ली है और जो मसाला बच गया था उसके ऊपर डाल दिया। अभी हम अंगीठी जलाएंगे और उसके बाद आपको कुक करके बताते हैं। ये नाज़रीन आग हमारी हमने चला ली है और अब हम इसके ऊपर जो मलाई बोटी सीखों पर लगाई थी वो इसके ऊपर रखनी है और बिल्कुल मध्यम आंच पर पकाना है इसको। ये नाज़रीन हमने इस आग के ऊपर हमने मलाई बोटी की सीखें रख दी हैं। जब एक साइड पक जाएगी तो इसकी साइड आपने तब्दील करनी है और इसी तरह बिल्कुल स्लो आंच पर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। स्लो आंच रखनी है आपने। ये देखें नाज़रीन, इसकी एक साइड पक चुकी है, हमने इसकी साइड तब्दील कर दी है। अब इसको दूसरी साइड से बिल्कुल इसी तरह पकाना है स्लो आंच पर, बिल्कुल आपने पंखा वगैरह नहीं चलाना। नाज़रीन आप थोड़ा थोड़ा आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। सारी सीखों पर आपने कुकिंग ऑयल लगाना है, इससे ये अंदर तक सही बिल्कुल पक जाएगा। ये है तो बहुत नरम और बहुत ही इजी कुक होता है। ये देखिए, ये नाज़रीन हमारे जो मलाई बोटी है वो तैयार हो गया। अब हम इसको सीखों से उतारेंगे, एक एक सीख आपने पकड़ के ये कागज हाथ में ले लेना, ये आराम से उतर जाएगी हार्ड पार्ट में। ये देखें ऐसे उतारते जाना आपने।
ये देखें नाज़रीन, हमारा जौन सा मलाई बोटी तैयार हो गई है और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें बिल्कुल नरम और मुलायम। आप भी इसे घर पर बनाएं और अपने बच्चों को साफ़ सुथरा और हेल्दी खाना प्रोवाइड करें, और ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। और बाज़ार से तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको घर पे आधी कीमत में ये पड़ेगी। आपको ये रेसिपी शेयर कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और एक दफ़ा दुरूद पाक और फातिहा शरीफ मेरी वालदा के लिए। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।